हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, बस मैं सीट बेल्ट लगा लूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको बताते हैं कि आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाम के मैं ही बताऊंगा आपको टाइम क्या हुआ है, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। शाम के क्या रात के बज चुके हैं 8:30 और आज थोड़ा सा जल्दी में, पहले तो सीट बेल्ट लगाते हैं, थोड़ा सा जल्दी में आप आज क्लिनिक ऑफ की है क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम है घर पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि जो आरसीटी के बाद भी पेन होता है, ठीक है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि वो जैसे एसएस ओपनिंग करा ली, पेन ठीक हो गया, उसके बाद वो आते नहीं है। तो भाई नुकसान वो आप अपना ही कर रहे हो, ठीक है ना, नुकसान वो हमारा नहीं है, वो आपका दांत टूट जाएगा, एक्सट्रैक्शन ही होगी। तो पैसे बचाने के चक्कर में ना रहे, ठीक है, पैसे आपको बचाएं, आप पैसे अपने बचाओगे लेकिन आपका दांत जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि सबसे पहले तो जब आरसीटी आप स्टार्ट करवा रहे हो तो उस आरसीटी को कंप्लीट जरूर करवाएं, आरसीटी को बीच में ना छोड़ें। कि ये नहीं है कि असेस ओपनिंग करा ली, पेन ठीक हो गया, उसके बाद मैं आरसीटी छोड़ भरे क्या करानी है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसा कि कैल्शियम वगैरह या फिर कुछ भी हम अगर पेरियोपाइकली एब्सेस है तो उसमें कैल्शियम डालते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो महीने बाद, 1.5 महीने बाद पेशेंट को याद आता है, हाँ भाई मेरी आरसीटी चल रही थी, अब इसमें पेन हो गया और अब पेन के बाद अब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है। तो भाई आप उस टाइम क्यों नहीं आए, जिस टाइम आपकी आरसीटी चल रही थी उस टाइम आप नहीं आए, ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं करवाया आपने, ठीक है ना। असेस ओपनिंग के बाद आपने कंप्लीट नहीं करवाई आरसीटी तो पेन तो हो गई, ठीक है ना। तो आरसीटी कंप्लीट जरूर करवाएं, उससे क्या होता है कि आपका ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इसी बारे में आज का टॉपिक था, आज का एक तरह से विचार प्रकट करने थे मेरे को आपके पास, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं बस घर के लिए, और ये भाई देखो रैप फट गया है, ये रैप ये देखो थोड़ा सा यहाँ से कट हुआ था, धीरे 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 मैंने करते करते ऐसे ड्राइविंग करते करते ऐसे ऐसे से करता रहा मैं, और ये ऐसे फाड़ लिया मैंने पूरा, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, समझ रहे हो विनोद, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है, तो आरसीटी जरूर कंप्लीट करवाएं। ये नहीं है कि अब कई बार ये होता है पेशेंट को ये लगता है कि अब पेन ठीक हो गया, अब कुछ नहीं होगा। देखो भाई क्राउन हो गया है कमज़ोर, असेस ओपनिंग कर दिए, उसकी एक तरह से नस का इलाज करते हैं तो जान थोड़ी रही है दांत में, तो उसको कंप्लीट कराओगे, परमानेंट फिलिंग करवाओगे और कैपिंग चढ़वाओगे, उससे दांत आपका सेव हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी। अब वही दांत अगर वो टूट गया, कोई फोर्स लग गई, तो वो टूटने के बाद उससे क्या होगा, क्या होगा, समझदार हो ना, टूटेगा वो दांत, और टूटेगा तो उसकी एक्सटेंशन आरएस या रूट स्टम्स रह जाएगी, उसको निकाल देंगे हम, उसके बाद वो जगह खाली हो जाएगी, फिर उस जगह को भरवाने के लिए आप दो दांतों का यूज करोगे, साथ वाले जो दो दांत हैं उनका तो ब्रिज बनाओगे बनाओगे आप, तो वो चीज़ रहती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि अगर आप आरसीटी स्टार्ट करवा रहे हो तो आरसीटी को कंप्लीट जरूर करवाएं, ठीक है। इम्प्लांट लगवाओगे बाद में और आरपीडी एफपीडी तो बेटर है भाई, जो आपने स्टार्ट करवाया उसको कंप्लीट जरूर करवा लें। आज उधर वो प्रोग्राम सो रहा है चुंगी की तरफ, तो आज मुझे हाथी गेट की तरफ से निकलना पड़ेगा। अब बोलोगे हाथी गेट क्या है, हाथी गेट भाई हमारा रेलवे का एक तरह से गेट है, तीन गेट है पूरे रेलवे के वर्कशॉप के अंदर एंट्री के लिए, हाथी गेट उन्हीं में से एक गेट है, हमें उसके अंदर से नहीं जाना, हमें उसके साइड से जाना है, ठीक है। तो यही आपको बताना था भाई, घर पे आई हुई है मामी जी, तो चलते हैं क्योंकि उनका थोड़ा आईज का चल रहा है, रेलवे से मेरे मामा जी रेलवे में थे तो रिटायर हो गए हैं, तो उनको अब मामी जी का जो है वो रेफ़र करवाएंगे हम, ठीक है, रेफ़र करा के फिर उनका ऑपरेट होगा, ठीक है, कैटरेक्ट होना है, ठीक है। तो दोनों आँखों का वो होगा, आज उनका चेकअप वगैरह होएगा, कल मॉर्निंग ब्लड टेस्ट वगैरह होएंगे, फिर 2-3 दिन बाद उनका ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहेगा।